वर्तमान समय कोरोना काल और चुनावी प्रचार पर हम अपनी विचार रखने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः आप लोगों को पसंद आए। तो जब कोरोना हमारे देश में आया तो इन्होंने बहुत तबाही मचाया। उफ, बीच में बेचारा कोरोना थोड़ा सा अपंग सा हो गया, लेकिन कोरोना ने हार नहीं मानी। पहले रुकना, फिर चलना, और अब तो दौड़ना भी सीख गया है। हमारे देश के नेताओं ने तो कमाल ही कर दिया, कोरोना को चलना भी तो इन्होंने ही सिखाया। सही है। आम जनता तो पुलिस के डर से घर में ही रही, जैसा कि आपने भी सुना होगा, तोड़ देंगे तुम्हारे शरीर का कोना कोना, मगर होने नहीं देंगे तुमको कोरोना। सही है, इसलिए बिहार में खूब लागू हुआ है। सही बोले। आम जनता तो पुलिस के डर से घर में ही रही, नेताओं ने तो कोरोना का साथ देने के लिए रैलियां भी करवाया। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हीं का तो कहना है सबका साथ सबका विकास। और अभी भी चुनाव हो ही रही है, और अगर ऐसा ना हो तो कोरोना का विकास तो रुक ही जाएगा, और विकास किसी का रुकना नहीं चाहिए। पे चला जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना का विश्वास तो देखो और नेता सा का साथ तो देखो। जिसने भी ट्विटर पर ट्वीट किया उनका अविश्वास तो देखो, उन्हें लगता है कि उनका ट्वीट कोई नहीं देख रहा है, उन्हें लगता है कि नेता सा तो चुनाव में बिजी है तो उनका ट्वीट देखेगा कौन। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि नेता सा का पूरा ध्यान ट्विटर पे ट्वीट करने वाले पे ही है। नेता शाह की चुनाव रैली में मास्क नहीं। सही है। नेता शाह की चुनाव रैली में मास्क नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनकी सेफ्टी तो देखो विथ मास्क। आम जनता का लोकतंत्र नहीं, नेता शाह का राजतंत्र तो देखो। आम जनता फंड का कुछ हिसाब नहीं, जितने लोगों ने भी डोनेट किया, चाहे वो आम जनता हो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, वो रुपया पता नहीं कहाँ चला गया। देश में फंड की कमी है, जब देश में फंड की कमी है तो अस्पताल कहाँ से बनेगा, अस्पताल नहीं बनेगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वेंटिलेटर कहाँ से आएगा। लेकिन हाँ, संसद भवन जरूर बनेगा। तो आम जनता फंड का कुछ हिसाब नहीं, नेता शाह की चुनावी प्रचार तो देखो। शुरुआत में तो नेता शाह ने कुछ किया नहीं, भाषण और लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा। आपने सही कहा। तो शुरुआत में तो नेता शाह ने कुछ किया नहीं, अब कोरोना की मार तो देखो। इतना ही नहीं, अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड नहीं, शमशान में लाशों की भरमार तो देखो। डेड बॉडी चलाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, नंबर लगाना पड़ता है। सही बोले। अभी महाराष्ट्र और दिल्ली का भी हालत यही है। जनता के भगवान को नहीं, अस्पतालों में मौत की व्यापार तो देखो। हाँ, कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि एक नर्स ने कोरोना की वैक्सीन बेचकर उनके बदले मरीजों को पानी चढ़ा दिया था, जिनके बदले बहुत सारे मरीज मरे भी। इतना ही नहीं, मरीजों के शरीर से किडनी और लिवर पता नहीं कहाँ गायब हो जा रहे हैं, ऑक्सीजन की धांधली हो रही है। और एक चोर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने चोरी तो की लेकिन जब उन्हें पता चला कि हमने कोरोना की वैक्सीन चुरा ली है तो मानवता के चलते उन्होंने उसे वापस भी कर दिया। इनकी सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को नहीं, इनकी ये सब तो बस ध्यान भटकाने के लिए है। इनकी सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को नहीं, कोरोना काल में भी नेता शाह के चुनावी प्रचार को देखो, चुनाव एग्जिट पोल को नहीं। अभी भी बंगाल में ये दिखाया जा रहा है कि कौन भाई कितना वोट से आगे बढ़ रहा है, ये नहीं दिखाया जा रहा कि बंगाल में कितना केस आया है। चुनाव एग्जिट पोल को नहीं, पूरे भारत में कोरोना काल तो देखो, जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली में देखो, और दिल्ली की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना की पछाड़ तो देखो, नेता शाह का विश्वास तो देखो, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है, सर्वोपरि है हम। परीक्षाएं हवा में उड़ जाती है और चुनाव सफलतापूर्वक हो जाता है, क्योंकि चुनाव ही थोड़ी ना कोरोना जाता है, कोरोना तो स्कूल पर खोले जाता है। अंधभक्तों का अविश्वास तो देखो, कोरोना की मार तो देखो। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।